बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे भक्त लोग सभी जानते हैं कि जब जय श्री राधे होता है तो हाथ उठाइए प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड। सभी लोग जानते हैं, आप लोग तो बोलना नहीं पड़ता तो हाथ उठाइए। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय हमारी गलियाना ओ नंद लाला। हमारी गलियाना ताली के साथ
जोर से आवाज नहीं आ रही मेरे को, तो मेरे को आवाज नहीं आएगी, कृष्ण को कैसे आवाज आएगी, कन्हैया जी को कैसे आवाज आएगी, जोर से बजेगी। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल ओम अज्ञान निरामंदस्य ज्ञानाशक्तिर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः स्वामिग्रह हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बार हाथ में करो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर गोविंद महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जताजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हमारे श्री क्या नाम प्रभु सचिनंदन सचिनंदन और पत्नी का नाम क्या माधवी दास। आज इन्होंने सब भक्त लोगों को अपना घर में बुलवाया हर घर में हरि कीर्तन हर घर में भगवान की कथा हो रही है। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए। इसका मतलब है जिस दिन घर में भक्त लोग आए घर में भगवान की कथा हो घर में भगवान की कीर्तन हो कहते वो घर घर नहीं बोले गृहे ते गोलोक भाए मतलब वो घर साक्षात गोलक ये वृंदावन बन गया। अगर घर में कोई पाप हो ना बोले मंगल भवन अमंगल है घर में कोई भी अमंगल हो जिस घर में प्रभु का कीर्तन कथा हो और जो मृदंग बज रहे थे ना जानकारी मृदंग क्या है कि साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु ये मृदंग की आवाज जहां तक पहुंचती है किसी तरह का कोई भूत पिशाच डाकिये निशाकिन किसी तरह का कोई अमंगल हो ये जहां तक ये मृदंग की आवाज गूंजेगी पहुंचेगी घर का सारे अमंगल घर में भाग जाते हैं सारे घर के अमंगल भाग जाते हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलं मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हलया वा भृगुवर नर मात्र तारयति कृष्ण नाम
बोले भगवत नाम में कितने शक्ति यहाँ पर बता दे। बोले मधुरम मधुरम मेतद, कहते भगवान का जो नाम है जगत में जितना मीठा हो सकता है, हैं मीठे से भी परम मीठा भगवान का नाम है। इसलिए कहते मंगलम मंगलानाम, जगत में जितने मंगल हो सकता है, कहते मंगल से भी जो परम मंगल है ये भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम। बोले जितने वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्रों का अगर मंथन कर दो निचोड़ क्या निकलेगा, बोले भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम। बोले सकृत अपि परिहित श्रद्धा अलेवा, अगर भगवान का नाम किसी तरह से श्रद्धा पूर्वक हो, नहीं तो नेग्लेक्ट भाव में हो, अगर एक बार भगवत नाम अगर निकल गया मुंह से, कहते नरमार करता रहे जीव मात्र को ही भगवान का नाम उधार कर लेता है। इसलिए एक समय साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, कहते भैया भगवान का नाम में इतने महिमा क्यों है। तो एक समय उन्होंने तीन ट्रे लिया, तीन ट्रे में जो साबुत मूंग दाल होता है तीन ट्रे में रख लिए और उसमें पानी थोड़ी दे दिया। एक जगह में तो वैसे जगह पर रख लिया ट्रे को, एक जगह पर जो हरे कृष्ण महामंत्र होता है ना सिटी में चलती है, एक जगह पर भगवान का नाम चला के, और तीसरे जगह पर जो रक म्यूजिक होता है गंदी गंदी म्यूजिक, तीसरा जगह पर उन्होंने ये गंदी गंदी म्यूजिक चला दिया। तीन दिन बाद में देखा जहां पर ये मूंग दाल को पैसे रखा था वहां पर थोड़ी बहुत अंकुर आई, जहां पर ये भगवान के नाम जो कैसेट में चल रहा था वहां पर दो तीन गुना ज्यादा उसमें अंकुर आई, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था गंदी उल्टा पुल्टा वहां पर अंकुर ही नहीं आई, उसमें अंकुर ही नहीं आया उसमें, मतलब उसकी इतने दुष्प्रभाव उस चीज की उल्टा पुल्टा जो कीर्तन बताए ना कीर्तन म्यूजिक उसका इसमें इतने दुष्प्रभाव उसके अंदर है। इसलिए हमारे गुरु जी एग्जाम्पल देते थे, जैसे एक पत्थर उठा और पानी में फेंको, फिर उसमें क्या होगा बताओ, उसमें लहरियां आई है, उसमें लहरियां, वह लहरियां आता था अंतिम छोर को स्पर्श कर फिर दोबारा लहरियां आई। फिर उसी तरह भगवान का नाम में कितने शक्ति भगवत नाम में, जब भगवान के नाम हम जो कीर्तन कर रहे हैं, हैं? ठाकुर जी का नाम जो कीर्तन कर रहे हैं, इसकी आवाज जितने दूर तक गूंज रही है इसका आवाज कर जितने सारे पाप ये सबके सब खत्म कर देता है, सारे पाप ये नष्ट कर देती है। इसलिए जो भगवत जो नाम में बड़ा शक्ति है, ये ठाकुर जी के नाम में बड़ा शक्ति है। देखो आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते होंगे सबके सब, देखना एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है, कहते हम एटम बम फेंक देंगे, वो कहता है फिर देश में एटम बम फेंक देंगे, हैं देखना सारा दुनिया में सब लड़ाई झगड़ा हो रही है, सारा दुनिया एक दूसरे को है कहते वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक दिन ये युद्ध होगा, विश्व युद्ध छेड़ेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कब तक ये विश्व युद्ध नहीं छेड़ेगा, बोले जब तक इस जगत में कोई भगवान के भक्त का भजन करते होंगे तब तक ये युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अगर एटम बम पड़ेगा सबके सब मर जाएंगे। इस बार अगर विश्व युद्ध छेड़ गया ना केवल 10-20% मुश्किल में कोई जिंदा रह जाएंगे, नहीं तो सबके सब खत्म हो जाएंगे सबके सब। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है तब तक ये एटम बम नहीं गिरेगी जब तक आप लोग भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि भगवान के भजन से सारी वातावरण शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए अगर आप भगवान की भक्ति भजन करेंगे ना ये दुनिया को भगवान रक्षा करेंगे, बोले नहीं हाँ ये दुनिया को भगवान रक्षा करेंगे, अगर भजन नहीं करेंगे ना बस फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे धमकी देगा फिर एटम बम गिरा देगा। इसलिए क्या करो खूब भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, फिर समझो इसलिए ये दुनिया बचा हुआ है ना, इसलिए जानते हो अभी थोड़ी बहुत लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 90% मुझे लगता है लोग
भक्ति भक्ति करते नहीं, शायद 1% लोग जगत में भक्ति कर रहे हैं। और भगवान इसलिए दुनिया को बचा करके रखे हैं क्योंकि 1% लोग अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। सबके सब एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 से कुछ प्रसंग का श्रवण करेंगे। जब ये घोर कलियुग आ गया, चार युग सत्य त्रेतया द्वापर और कली, और युग का नाम क्या है? कली। कली मतलब क्या है? केवल लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ भाई भाई में लड़ाई, बहु बहु में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई है, और मन में भी लड़ाई है, पड़ोस में लड़ाई, जहाँ पर केवल लड़ाई कला कला, इसलिए इसका नाम है ये कलियुग। अब ये कलियुग से डरते हुए सौनका ऋषियों ने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले हे प्रभु ये कलियुग से हम बच्चे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ कर भजन करो, तुम्हारे ऊपर कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लोग बड़े दिनों से वहीं पर बैठ करके भजन साधन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कोई शांति नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, भजन में कोई उत्साह नहीं आ रहे हैं। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी, बहुत बड़े संत है, एक दिन श्री सुतो गोस्वामी आए, इनको देख करके सोनका ऋषियों ने बड़े प्रसन्न हो गए, बोल आज हमारे जीवन धन्य हो गया, क्यों आज एक महान संतों का हमें दर्शन मिला है। कि जीवन में जब किसी संतों का दर्शन सही सही मिल जाए, बोले क्या समझनी चाहिए, बोले ये समझनी चाहिए हमारे संसार का सारे दुख हमारे समाप्त हो, हमको ये संसार में और भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान स्वयं कृष्ण उद्धव उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव आचार्य मांग बिजानिया, जब मैं किसी जीवों को पर कृपा करता हूँ, कहते मैं स्वयं एक साधु रूप धारण करते हुए उसको पास में आता हूँ। इसलिए सोनका ऋषियों ने बड़े प्रसन्न हुए, उनको आसन दे करके बैठाए, हैं बैठा करके बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र का निचोड़ को आप जानते हैं, मतलब यहाँ शिक्षा देते हैं। अगर कोई सोचे डायरेक्ट हम सारे शास्त्र ग्रंथ को पढ़ करके अपने आप नॉलेज को प्राप्त कर लेंगे, नहीं है, नहीं कर सकते हो। जैसे समुद्र मंथन से बीस में निकला वहां अमृत निकला, अगर डायरेक्ट कोई ग्रंथ को पढ़ोगे ना बगैर साधु के अनुदत्त में, वहां पर कोई जहरी जहर निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगा, वहां अमृत नहीं निकलेगा, वो जहरी जहर निकलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है चाहे भागवत को पढ़ो वैष्णव रस्ता, अगर शास्त्र पढ़ना तो किसी साधु की अनुगत में, वैष्णव की अनुगत में शास्त्र पढ़ो, अकेले अपने आप शास्त्र मत पढ़ो, साधु की अनुगत में शास्त्र पढ़नी चाहिए। जैसे इसी जगत में जैसे आप लोग कोई डॉक्टर कोई सीए कोई इंजीनियर बनते हो, क्या अपने आप पुस्तक लेकर पढ़ रहे हो? अपने आप क्या पुस्तक लेकर पढ़ रहे हो? कोई एक्सपर्ट किसी टीचर को पास में जाता हूँ, इसलिए पुस्तक रहने पर भी तुम्हारे सामने आप कुछ नहीं समझ सकते हो, जब तक किसी एक्सपर्ट किसी टीचर को पास में नहीं जाओ। मतलब जब साधारण इसी जगत में कोई एक्सपर्ट कोई टीचर चाहिए तो ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल शब्द लिखा हुआ, तो गुरु जी बहुत बढ़िया एक उदाहरण देते थे, उसमें केवल शब्द है लेकिन टोन नहीं। जैसे गुरुदेव कहते थे, जैसे मैंने प्रकाश प्रभु को कहा आप कहाँ गए थे, इसका मतलब मेरे को पता नहीं कहाँ गए थे, अगर यही शब्द हो आप कहाँ गए थे, लेकिन जब टोन बदल गया ना उसका अर्थ अलग हो गया, मतलब आप जहाँ गए थे वो सही जगह पर नहीं,
अगर मैं बताऊं प्रकाश प्रभु कहाँ गए थे, इसका मतलब जहाँ गए थे ना हमें पता है। देखो वार एक ही है, वार एक ही है, लेकिन उसका तीन अर्थ हो गया, और बहुत सारी अर्थ होगी लेकिन उसमें तीन अर्थ हो गया। उसी तरह शास्त्र में केवल शब्द है लेकिन उसमें कोई टोन नहीं तो एक गीता का 100 गीता कैसे हो गया, शब्द से वो अलग अलग टीका कैसे लिखे, शब्द तो उसमें एक ही, अलग अलग कैसे लिखे। इसलिए यहाँ पर श्री स्वर्णकादि से लोग कहते हैं हे सुख गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ही ये जितने सारे वेद वेदांत उपनिषदों का अपने अध्ययन में किया है, ये घोर कलियुग आया है। बोले कलियुग का क्या स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला बस्मीन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य छुप दुर्गा। यदि कलियुग का लक्षण है, बोले कलियुग का क्या लक्षण है, बोले लक्षण है बोले प्रायण अल्पायुष, प्राय करके लोग का जो आयु है कम आयु है। सत्ययुग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, आप सुने होंगे कोई 10,000 कोई 20,000 कोई 60,000 हिरण्यकश्यप 60,000 तपस्या किया क्यों जिंदा रहते थे 100,000 साल तक। जब तृतीया युग आ गई फिर उसमें 100 हटा दो, 100,000 100 हटा दो कितना रह जाएगा, 10,000 रह गया। फिर जब द्वापर युग आ गया उसमें 100 हटा दो कितना रह जाएगा, 1,000 रह जाएगा। भले कलियुग आ गया था 100 हटा दो कितना होगा, 100। शास्त्र कहता है और कुछ दिन बाद में 100 से और 100 हटा दो कितना होगा, 10। कुछ दिन बाद में 10 परिवार हो जाएंगे धीरे 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 परमा, क्योंकि हर चीज में मिलावट है, हाइब्रिड देकर बनाते हैं। इसलिए पहले प्योर चीज मिलती थी, लोग खाते थे तो उसमें ताकत नहीं ज्यादा थी, लेकिन अभी हर चीज में मिलावट मिलावट। अब सुने होंगे चाइना में प्लास्टिक का चावल बना रहे हैं, प्लास्टिक का फुलकोई बना रहे हैं, प्लास्टिक की अंडा बना रहे हैं, प्लास्टिक का आज कोई दिखा रहे थे प्लास्टिक का बिस्कुट भी बना रहे हैं, उसमें जब जलाया देखा बिस्कुट जल रहा था। बस सारी चीज ना, सारी चीज में मिलावट मिलावट है। इसलिए धीरे धीरे लोगों का जो परमायु धीरे 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 परमायु घटते जाएगा, बढ़ेगी नहीं, सबके धीरे धीरे घटेगी। इसलिए बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मिन युगे जना, बोले कलियुग का जीवों का जो मति है बोले मंदा सुमंद मतयो, कलियुग जीव का जो मति है स्वाभाविक रूप में देखना गंदे काम में जाता है। फिर कलियुग में जो इंटरनेट आ गया, मोबाइल स्मार्टफोन, उसमें ही शादी करते हैं इंटरनेट में, उसमें डाइवोर्स कर देते हैं, उसमें ही शादी करके डाइवोर्स कर देते हैं। इसलिए और जो स्मार्टफोन आ गया, आपको पता होगा कोई मतलब आपको कोई डाकू गुंडा गिरदी लड़की लड़काबाजी करने के लिए अब कहीं जाने सीखने के जाने का भी जरूरत नहीं, केवल टीवी खोल कर बैठ जाओ स्मार्टफोन ले बस बैठ बैठ कर सारी गंदी चीज सीख जाओगे, सारे चीज बैठ बैठ कर आप सीख जाओगे, अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब इतने उसमें गंदी चीज गंदी चीज। इसलिए एक तरफ के साइंस जितने आर्भास कर रहे हैं ना, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे साइंस बहुत एडवांस किया। बोले क्या एडवांस किया, पहले पहले डंडे डंडे में मारपीट होता था, अभी एटम बम लेकर मारपीट हो रही है, यही एडवांस किया है। मारपीट कैसे, डंडे लेकर करते थे किस तरह हाथ पैर के टूट जाए। अभी आपको पता होगा हिरासिता नागासिता में जो एटम बम गिरा था, अब भी वहां पर विकलांग लोग जन्म हो रहे, पूरा मरुभूमि उसको बना दिया उस स्थान है, और पूरा मरुभूमि बना दिया उस स्थान को। इसलिए कहते कलियुग में बोले मंदा सुमंद मतयो, कलियुग में जीवों को भगवान की भक्ति करने के लिए ना स्नाह धो करके ठाकुर को स्नान में बैठ करके भगवान की भक्ति करना थोड़ी पड़ता, मन को लगाना और गंदी चीज के लिए लगाना पड़ता है, वो मन अपनी आप गंदी चीज में जाता है। आप लोग सब भारत के लोग हैं, आप सब जानते हो, आप अपना पिताजी माताजी का जीवन देखो, घर में क्या करते हो, अपना घर की बात देख लेना,
पहले हर भारतीय लोग सवेरे नहा धो करके ठाकुर को सेवा पूजा करना, सालग्राम पूजा करना, ठाकुर जी की आरती उतारना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना। आप देखना अपने पिताजी का आप देख लो, पूरा पूरा घर में यही काम करते थे। लेकिन अभी समय मिले तो टीवी खोल कर बैठ जाओ, सास बहू की लड़ाई कैसे हो रही है और कैसे गंदे हैं। अभी समय निकले तो जितने गंदी चीज में मन खोल कर बैठ जाओ। पहले तो एक चैनल होता था, अभी सारा दुनिया की चैनल आ गई, सारा दुनिया की चैनल आ गई है। इसलिए पहले पहले भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए घर में शांति सुख बना रहती थी, शांति सुख घर में बना रहती थी। गीता रामायण पढ़ते थे। अब रामायण पढ़ हम इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया में हमारे भारतीय संतों को बुलाते हैं, वो मुसलमान कंट्री है, भारतीय बुराए का अपना नाम भी सुने होंगे, ये इनको बुला करके अपना देश में बुलाते हैं। बोले क्यों? बोले हम रामायण सुनना चाहते। बोले क्यों रामायण सुनना चाहते? तो इसीलिए हमारी घर की बेटी और बहू सती बनी, क्योंकि रामायण में ये शिक्षा है। अब तो पता होगा, जब एक धोबिनी वो गई थी अपना ससुर घर अपना पीहर में, वो आते समय एक नदी पार उसको करना पड़ता, और बीच में बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी, वो केवट ने पार नहीं करवाया। बोले नहीं करवा सकता, उसको मजबूरी में एक रात केवट को घर में रुकना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, उसको पूछा पति ने तुम पिछले रात कहाँ पर थी? बोले ऐसे ऐसे। बोले जहाँ पर बिताए जिंदगी वहीं पर बिताओ, मैं राम नहीं हूँ। क्योंकि सीता को रावण उठा करके ले गया लंका में, एक साल तक रखा और उनको लाया तो उन्होंने बराबर आसन दे दिया राम, लेकिन असली सीता को रावण ने उठाया नहीं, वो नकली सीता थी, वो सीता थी नहीं, लेकिन उसको तो पता नहीं है। इसलिए इंडोनेशिया वाले कहते हैं अगर ये चीज को, इसलिए प्रभु राम को सीता को त्याग देना पड़ा। बोले क्यों? वो मुसलमान लोग कहते हैं इसलिए हम अपना बेटी बहुओं को इसको पढ़ाना चाहते हैं, तुम सती बन करके रहो। लेकिन अगला हमारे जितनी सब शिक्षा सरकार नहीं, असती बना। पहले सोचते थे कोई चरित्रवान बन करके रहे, लेकिन अभी आपको सब आपको ज्यादा से ज्यादा पता होगा, हर व्यक्ति सोचते हमारे घर बेटी बहु चरित्रवान बन करके रहे, लेकिन अभी सब चीज खत्म हो रही है। और भगवान राम जब सवेरे उठते थे, बोले प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। पहले भगवान राम उठकर क्या करते थे? पहले पिताजी के चरण छूते थे, माँ के चरण, गुरु जी के चरण छूते थे, है ना। वो कहते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से बच्चों के अंदर में संस्कार बढ़ती हैं, बच्चे सवेरे उठ करके पिता माता गुरु जी के चरण छूते। अभी कोई छूता है? किसी बच्चे को पूछ लो, सवेरे उठ करके पिता माता को चरण छूते हैं? लेकिन आप जितने पुराने लोग देखो, पहले उठ कर यही करते थे ना, सवेरे उठ करके पिताजी के चरण छो, माता जी के चरण छो, गुरु जी के जिनका आशीर्वाद मिले, है ना। इसलिए वो लोग चाहते हैं भाई भाई में कैसे प्रीति, रामायण ऐसी सारी चीज शिक्षा मिलती है। इसलिए उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या क्यों? जहां पर कभी युद्ध नहीं होता था, अब जहां पर कोई वध नहीं होता था, मरते नहीं, बल्कि वही तो अयोध्या है जिस घर में रामायण अगर पढ़ लोगे ना, हमारा घर ही अयोध्या और हमारा घर ही अवध हो जाएगा, है हमारा घर अयोध्या अवध, हमारी घर ही हो जाएगा अयोध्या और अवध हो जाएगी अगर रामायण। इसलिए मुसलमान कंट्री के दोस्त हमारे साधुओं को बुला बुला करके कहते रामायण हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अद्भुत शिक्षा है, भाई भाइयों में कैसे प्रेम होनी चाहिए। देखो भगवान राम ने, भरत ने, सौतली भाई राम है उनके लिए उन्होंने राज्य को ग्रहण नहीं की। कैसे बच्चा पिताजी के आदेश से कैसे पालन करे? भगवान राम ने कहते ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। इसलिए भगवान राम पिताजी की सेवा करने के लिए 14 साल तक वनवास में। अभी कोई जाएगा किसी बच्चे को कोई आदेश पालन करेगा? उनको भारत राज्य देने पर भी नहीं लिए, बोले नहीं हम पिताजी के आदेश को हम पालन करेंगे, पिताजी की प्रतिज्ञा को हम रक्षा करेंगे। मतलब रामायण में ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य शिक्षाएं हैं, रामायण में ऐसे अद्भुत अद्भुत शिक्षा है, कैसे घर में प्रीति प्रेम बन रहे हैं, बच्चे कैसे संस्कार बन रहे हैं। इसलिए अभी किसको घर में रामायण भागवत नहीं देखते, रामायण भागवत नहीं होगा, अगर होगा ना उसको कोटला बांध करके किसी उसको कहीं ऊपर रखा हुआ, हाँ उसको कहीं पढ़ते नहीं होंगे रामायण बाप,
भागवत कोई पढ़ते नहीं होंगे, अब घर में देखना जितने गंदी गंदी नाटक नगर सब पड़ा हुआ है, सारी गंदी गंदी पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन हमें कोई ही गीता भागवत नहीं मिलेगी। देखो आप एक सच घटना बता, अब ध्यान लेकर सुने, अब मैं सच घटना सुनाता हूँ। कहते एक समय अमेरिका में, अब इस्कॉन का नाम सुने होंगे, वो भगवत गीता जयंती आए ना, भगवत गीता बांट रहे थे। देखो हमारे ग्रंथ कितने महान है, वो भगवत गीता ग्रंथ को बांट रहे थे। एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, उतर करके वो प्राय 8-10 व्यक्ति लाइन करके खड़े थे, भगवत गीता जयंती में गीता बांट रहे थे। जब एक व्यक्ति ने भैया गीता ला, बस नहीं जरूरत, और थोड़ी देर उधर फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, भाई भगवत गीता उसने 5-6 जब व्यक्ति क्रस किया, बोलो भैया देखा लाइन करके खड़े, जहां जाओ गीता गीता लो, भगवत गीता जयंती में गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बोले एक ले लो। उसने $2-3 देकर के भगवत गीता ले लिया। देखो क्या सीन होता है, एक दिन वो व्यक्ति इतने मतलब दुखी दुखी हो गया, इतने डिस्टर्ब से हो गया, इतने दुखी हो गया, सोचा मैं आज मैं आत्महत्या करूंगा। वो बैठा हुआ आत्महत्या करने के लिए, वो आत्महत्या करने के लिए बैठा हुआ, अभी इतने में वो सामने था ड्रग, वो उसी ड्रग में था उसका बंदूक, और उसमें था ये भगवत गीता। उसने जब वो ड्रग में ऐसे हाथ डाला ना, वो बंदूक नहीं आकर के वो आ गया भगवत गीता उसको हाथ में। वो तो मरने के लिए बैठा हुआ, वो मरेगा, इतने में को भगवत गीता खोला। जब भगवत गीता खोला, वहां पर कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन अगर तुम जीवन में परम शांति अगर परम सुख पाना चाहते हो, बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति। अगर तुम जीवन में परम शांति और सुख पाना चाहते हो, तुम क्या करो, मेरे शरण में तुम आओ, तभी तुमको परम शांति परम सुख प्राप्ति होगी। क्योंकि जो संसार है, कृष्ण स्वयं कहते हैं ये दुख का घर, दुखालयम असासतम, सब अनित्य है, ये संसार में ये दुख का घर है। और हम क्या चाहते हैं, ये शरीर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे पिंजरा है लेकिन उसका अंदर में तोता है, हम क्या करते, तोते के लिए कोई ध्यान नहीं, ऊपर उठते बोले उसको कैसे कलर करना, हम जिंदगी में यही कलर करते, फिर तोता क्या होगा, मर जाएगा। हम भी उसी तरह अंदर में जो तोता बैठा है ना, ये आत्मा, उसी के लिए कुछ खाना नहीं, ये शरीर को कैसे खिलाओगे, ये शरीर को कैसे पिलाओगे, शरीर को कैसे सुखी करोगे, कैसे उसको ब्यूटी पार्लर में सजाओगे, चवनप्राश खाओगे, कैसे उसको लाओगे जीव में। अरे उसका अंदर में तोता जो बैठा हुआ, उसके लिए ध्यान दे रहे पिंजरा की, वो तोता की नहीं, अगर तोता को नहीं देखो तो क्या होगा, पिंजरा को रंग करते रहोगे तोता तो मर ही जाएगी। इसलिए हम संसार में केवल यही चीज में लगे हुए, केवल शरीर शरीर को खिलाओ पिलाओ, उसके सुखी करो। जब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू की, उसमें कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो शरीर है, कहते बादशाह से जीर्णा जथा व्याय नवा गृहा नरो पुराण, ये जो शरीर है, जैसे एक वस्त्र जब पुरानी हो जाए उसको छोड़ कर हम एक नया वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है न जायते न मृयते जो नित्य शाश्वत है पुराण, ये आत्मा शाश्वत है, केवल ये शरीर बदलती कपड़ा है। वो व्यक्ति सुइसाइड क्या करेगा, वो सुइसाइड करने के लिए गया था, वो सुइसाइड क्या करेगा, रात भर ये भगवत गीता को पढ़ता, रात भर उसने भगवत गीता को पढ़ा, बड़े करके उसको इतने सैटिस्फाई, सारे प्रश्न के उत्तर भगवत गीता में, जो जो उसके मन में जितने शंका थी सारे समाधान उसकी हो गई, और एक दिव्य आनंद उसकी प्राप्त हुई। देखा गीता आई कहां से, तो उसमें एड्रेस था, उसने एड्रेस में ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे, और ये साधुओं को साथ में मिले, और सारे क्वेश्चन आंसर की, और इतने प्रसन्न हो गया, उसने सारे घर को छोड़ करके उसने मंदिर में आए, और जैसे जैसे कपड़ा पहने ना, ऐसे कपड़ा पहने, बाद में उन्होंने संन्यास लिया, अब भी वो व्यक्ति है जो संपूर्ण विश्व में ये भगवद गीता को ये प्रचार कर रहा है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था, अगर एक रात ग्रंथ को पढ़ा तो जीवन परिवर्तन हो गया, इतने हमारे ग्रंथ में इतने दिव्य ज्ञान है। लेकिन दुख की बात है, हमारे घर में जितने गंदे गंदे नाटक नवेल उल्टा सीधा सब चीज पड़ा होगा,
लेकिन ये गीता भागवत में हमारी कोई रुचि नहीं, ये बड़ी दुख की बात है, हैं? इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं ये कलि स्वर्णकार जैसे लोग कह रहे हैं कलियुग है। कलियुग में क्या बोले मंदा सुमंद मतयो, कलियुग जीव का जो मन है ना केवल मंद नहीं बहुत ही मंद है, केवल गंदी गंदी चीज में जाता है, कोई अच्छी चीज में मन नहीं जाता है, हैं? फिर मंद भाग्य झुपद्रुता, कलियुग का जीव का भाग्य भी बड़ा खराब। अरे झुपद्रुता बोले झुपद्रुता मतलब अगर पत्नी कहीं सत्संग में जाती है, अगर कोई भगवान की कथा सुन ली, उसको पता चला भैया जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अगर थोड़ी सी मांस मछली छोड़ दिए कल में कंठी तिलक धारण पति मिलेगा, किसकी चक्कर में तू बढ़ गई तो किसकी चक्कर में पड़ी जो कंठी माला अभी से क्या से भजन कर रहे हो, अभी की कोई भजन करने का उम्र है अभी कोई? लेकिन बच्चे अगर शराब पीता है स्मोकिंग करता वेरी गुड, शराब पी रहा है ना स्मोकिंग कर रहा है जुआ कर रहा है वेरी गुड, लेकिन थोड़ी अगर कंठी तिलक भगवान भजन बोले ये कोई उम्र है भजन करने का तुम्हारा बोले ये कोई उम्र है तुम्हारा, लेकिन शराब पीने का उम्र हो गया, शराब पीने का उम्र, स्मोकिंग करने का उम्र हो गई, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र है तुम्हारी भजन करने की? अगर पति अगर गए सत्संग में गए थोड़ी सी अगर भगवान की भजन पत्नी बोली कि पहले थोड़ी सी सिनेमा में लेना ले जाते थे घुमाते थे, अभी तो जब देखो ये गीता भागवत तो माला लेकर बैठ जाते, इसलिए यहाँ पर कहते झुपद्रुता मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ ना, उसमें उपद्रव है इतने उपद्रव है, लेकिन कोई गंदे काम करने के लिए दुनिया कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, गंदे काम के लिए सारे रास्ता खाली है। तब उन्होंने स्वर्णकार ऋषियों को उन्होंने सुत गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किए, आज हम लोग दो प्रश्न सुनेंगे। उनका पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कहते जो शांति है कि जगत में सबसे बड़ा अनमोल है शांति, है कि नहीं? अगर हमारे पास में बहुत पैसा है लेकिन अगर हमारी शांति नहीं, वो पैसा ही कोई महत्व है? वो पैसा ही कोई महत्व है अथा पैसा जिसकी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन घर में शांति नहीं, क्या वो पैसा की कोई महत्व है क्या? घर में सुंदरी स्त्री है, सुंदरी बच्चे हैं, लेकिन वो संसार में शांति नहीं, फिर सुंदरी स्त्री बच्चों का क्या महत्व है? कोई महत्व है? बड़ा नाम तुम्हारी है लेकिन जीवन में शांति नहीं, उसका कोई महत्व है? अगर सुखी दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, अगर सुखी दो रूप में अगर शांति मिलती है तो सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन इतने वैभव पत्नी बेटा घर मकान दुकान बहुत कुछ लेकिन शांति नहीं तो वो सब बेकार है, उस चीज का कोई महत्व नहीं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु है शांति, शांति। इसलिए इनका यही प्रश्न है जीवन में हमें शांति कैसे मिलेगी, शांति हमें कैसे मिलेगी? देखना हम सबके सब जीवन में शांति ही बोलते हैं, है ना? पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं शांति के लिए, नौकरी के लिए करते हो शांति के लिए, शादी क्यों करते हो शांति के लिए, बच्चे को जन्म देते हो शांति के लिए, घर बताने क्यों बनाते हो शांति, हम जो कुछ करते हैं उसका मूल तो शांति है ना, सोते ही है ना, और तो कुछ शांति और कोई मूल ये नहीं शांति के लिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, सामने जैसे एक समस्या हम सोचते हैं अगर किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए ना हमको शांति मिलेगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना एक समस्या तुम्हारी हल हुई नहीं, सामने तीन समस्या फिर हम जी जान लगा देते हैं। अगर ये किसी तरह से तीन समस्या को हल कर देना भाई आपको चैन मिलेगा, देखना वो तीन समस्या तो हल हुई नहीं, सामने 5 समस्या, जैसे मकोड़े होते हैं ना जाल बनाते और जाल बनाते 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 ऐसे पूरी तरह से फंसता है और उसी में ही प्राण को त्याग कर देता है। हम भी सारा जीवन शांति ढूंढते 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 हम सारा जीवन लगा देते शांति शांति मिली, लेकिन कहते साथ ये चीज पूरी हो जाए ना शांति मिलेगा, जब ऐसे करते करते देखना जीवन पूरा खत्म, जीवन पूरा हमारी खत्म हो जाती है। इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, और जो उनकी दूसरी प्रश्न है बोले कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है,
कलयुग में ठाकुर जी का सबसे सरल उपाय क्या, हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? इसलिए आज हम ये दो प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। जब उन्होंने ये प्रश्न छह प्रश्न किए, जब उन्होंने ये प्रश्न की, तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारी ये प्रश्न का उत्तर फिर मैं प्रदान करूंगा। इसलिए उन्होंने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले बंदम गुरु पद पदो मां परागा, बंदम महाप्रभु जगत में भगवत नाम लाए, सबको प्रभु का नाम देना शुरू किया, और जो प्रभु का नाम कर सीधा प्रभु के पास में वो चले जाते हैं। अभी तो पाप बड़े दुखी होकर के प्रभु के पास में आए, बोले प्रभु जगत में आप ऐसे नाम लाए हो जो तेरे नाम ले सबके सब गोलोक वृंदावन में सबके सब भक्त को स्थान दे दो। देखो ध्यान दे दो, सुनो, ठाकुर जी बोले देखो जब ये कीर्तन होगा ना, जो भगवान के नाम करेगा सारे पाप तो उसको सर के ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन कहीं बैठेगी ना? बोले कहाँ बैठेगी? बोले जो नाम नहीं करेगा उसका सर पर बैठेगा। इसलिए जो हरि नाम नहीं करेगा क्या होगा, इस सबका पाप उसकी सर पर जाएगी। और बोले ताली क्यों बजाए? एक ताली बजानी चाहिए और कीर्तन करनी चाहिए। मैंने पहले बताया ना आप ताली क्यों बजाते हैं, इसमें चार कारण हमारे शास्त्रकार बताए, क्योंकि हमारे जितने ऋषि मुनि है ना, वो जो जो नियम रखे उसमें सब साइंस है, ये सब साइंस है, केवल ये मन की एक भावना नहीं, ये पूरा पूरा साइंस है। बोले भैया ताली में क्या साइंस है? आपको पता होगा कि आपको प्रेशर सुने कि नहीं, आपको प्रेशर आप देखना ना, जो ये जानते हैं ना इसको, वो हाथ और पैर से सारी बीमारी को सही कर देते हैं। कौन सा आप टीवी में देखना, रामदेव बाबा भी कहते ना, कौन सा पैंट दबाओ कौन सा बीमारी सही होगी, हाथ का कौन सा पैंट दबाने पर। इसलिए जब हम ताली बजाते हैं एक तरह का एक आंखों प्रेशर होता है, आप स्वयं देख लेना, जब थोड़ी समय आप ताली बजा लोगे ना, शरीर में सारी एनर्जी, पूरा शरीर में एनर्जी आ जाएगी एक मिनट के अंदर में, क्यों जो साइंस आप जानते हो, जो पढ़ लिखे देखना, सारे जो नर्व है नाड़ी कहाँ पर कहती है, सबके सब ये हाथ और पैर से सबके सब जुड़ी हुई है, और सबके सब ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है। नर्व जब ताली बजाओगे तुम्हारे सारे जो नर्व है वो खुल जाते हैं, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बन जाएंगे, हैं क्लास में बढ़िया पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और तीसरा बात बताएंगे, जैसे कहीं आपने गेहूं दाल कहीं सुखाने के लिए दिया, कहीं चिड़िया खा रहा है उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, हम ताली बजाते हैं, फिर वो चिड़िया उड़ जाती है। वो कहते हैं कि उसी तरह जब हम भजन करते हैं ना, ये पाप रूप चिड़िया आकर सर पर बैठ जाती है, पाप रूप उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, बोले ताली बजाओ ये पाप रूप चिड़िया उड़ जाएगी। और सबसे जो बढ़िया काम होता है ताली बजाने का, बोले क्या होता है, इसको ध्यान देकर सुनो, जब हम संसार में ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं ना, आप देखना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, बोले देखो तो भैया हाथ बढ़ा, ये संसार का दुख किसी तरह से जान लिया, अगर सोने में भी हाथ लगाए ना वो मिट्टी हो जाती है। देखो तो क्या क्या एस्ट्रोलॉजर तुम्हारे यहाँ के बताते हैं, बल्कि वो कहते ये स्टोन पहनो ये पहनो और इतने डॉलर दो, इतने डॉलर दो, सब पैसा वैसा निकलते हैं।
लेकिन अगर आप भगवान कीर्तन में ताली बजाओगे ना, अगर ये हाथ के रेखा अगर थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो, है उल्टा पलटा हो, मेरे तरफ में देखो, माताओं के लिए ना ये बाम हाथ है, उल्टा है ये जो रेखा, ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। अब अपना अपना देख सकते हो, इसको ये रेखा देखो जितना बढ़िया है देखना, उतना ही आप फलते फूलते रहोगे संसार के सुख साथ। और भाइयों के लिए सीधा हाथ है, देखो ये रेखा है, ये भाग्य रेखा इसको कहते हैं, इसी से ही सब कुछ संसार चलता है। अब स्वयं देख सकते हो, जैसे यहाँ ताली क्यों बजा रहे हो बताओ तो, किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो? ताली कब बजाते हैं? किसी स्वागत में ना, तो ताली बजा कर स्वागत करो। यहाँ पर जो ताली बजा करके किसकी स्वागत कर रहे हैं? भगवान, भगवान के स्वागत में ताली बजा रहे हो। इसलिए भगवान का एक नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है जो है और नहीं, नहीं को जो है कर सकते, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। अगर हमारा कोई भाग्य अगर उल्टा पुल्टा होगा, अगर ताली बजाओगे ना, भगवान सारे जितने हमारे गलत कर्म को खत्म कर देंगे। वाल्मीकि जैसे राखु था, दशरथ ना कर, उसने मरा मरा राम राम निकलेगा नहीं उसका मुंह से, बोले मरा मरा करते अगर वाल्मीकि बन सकता है डाकू, अगर हम सीधा अगर प्रभु का नाम ले और ताली बजाए फिर ठाकुर क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए आप ताली बजाने से पहले हाथ का रेखा देख लो और ताली बजाने का बात, ठीक है। हाँ फिर कुछ ऐसा बोला, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा इसलिए उसका इच्छा को मैया जल्दी पूरी कर देती है, इसलिए राधा रानी ये जगत की माँ है। राधा रानी इनकी कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति इनकी कृपा से मिलती है, इसलिए सबके सब वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? इसलिए मैं बोलूंगा वृंदावन में हम लोग क्या बोलोगे? राधे राधे। बोले वृंदावन
उन्होंने गुरु जी की चरण में वंदना की है, गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर देते, बोले गुरु जी की चरण की उन्होंने क्यों वंदना की है, बोले इनका नाम है गु और रू, बोले गुकार अंधकार का रुकार तस्रत, जो हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो भगवत प्रेम रूपी दीप आलोक जो जला दे, कहती है गुरु है। कहती भगवत नाम तो फल देता है, किसी तरह से प्रभु का नाम लो, भगवान का नाम तो फल देगा है, लेकिन हम जब गुरु जी से ग्रहण करते हैं उसमें की विशेष महत्व। एक उदाहरण दिया, जैसे गोली है ना, बंदूक में देकर मारते हैं, अगर गोली को ऐसे लेकर के तो किसको फेंकोगे वो कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन वही गोली को जो बंदूक के अंदर में रख करके मारो तो क्या होगा, फिर इस पार से उस पार कर देता है, फिर इस पार से वो उस पार कर देता है। कहते उसी तरह जो भगवत नाम है ये तो कुछ ना कुछ फल देता है, हाँ कुछ ना कुछ फल देता है, लेकिन वो फिर क्या देगा, फिर ये दुनियादारी का वस्तु देकर हमें वंचित कर देगा, फिर ये भगवत प्रेम हमें प्रदान नहीं करता है, भगवत प्रेम हमें प्रदान नहीं करेगा। लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में जब हम किसी सदगुरु को चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर हमें वो भगवान का ठाकुर जी का तक हमें वो पहुंचा देता है। जैसे दुर्गो महाराज पहले भगवान को पाने के लिए व्याकुल तो हो गए, लेकिन लक्ष्मी बोले प्रभु जाकर के दर्शन है, तो बोले देखो लक्ष्मी मैं भी बंधा हुआ, बोले किस चीज में, बोले अभी तक उसने कोई सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ, बोले आप तो इच्छा करने पर हो जाता हूँ, बोले हाँ। फिर उन्होंने नारद जी को बुलाया, फिर नारद जी आए, बड़े ठोक पीट कर उनको परीक्षा ली है, बहुत उन्होंने परीक्षा ली, बोले कोई भजने का उपाय नहीं, मैया थोड़ी सी बोल दिए, क्रोध तो उतर के आ गए, घर में जाओ, अरे पिताजी मैया तेरे को ढूंढ रहे, घर में जाओ तुम। प्रहलाद ध्रुव महाराज पूछे आप कौन हो, बोले मैं नारद हूँ, बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद, भले मैंने सुना नारद सबको प्रभु की भक्ति की शिक्षा प्रदान करते, आप बैरो घर में चले जाओ, अगर आप नारद हो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया ठाकुर मेरे को जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, क्यों, भले मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूँ, और नारद जी भगवान की सबसे प्रिय भक्त श्री नारद है, अगर आप जैसे संतों का दर्शन अगर हो गया फिर तो भगवत प्राप्ति में कोई बाकी थोड़ी रह गया। इसलिए श्री हनुमान जी की जब विभीषण को साथ में भेंट होता है, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी राम के सबसे प्यारे भगत है, विभीषण क्या कहता है, बोले आज मैं भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता, जो रघुवीर मोहे अनुग्रह किनी तो मैं दरस अटेंडने लगता है, मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था जहाँ पर नरभक्ति राक्षस है उसको बीच में भी प्रभु की सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी की दर्शन मेरे को मिल जाए, मेरे को तो विश्वास हो गया प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी प्रभु हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्री गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए उनका प्रश्न का उत्तर कर दिया। पहला प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था, बोलो जोर से, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो ये जो प्रश्न है ना ये करोड़ रुपया के प्रश्न है, हम सबके सब जीवन में शांति चाह रहे, शांति चाह रहे, सुख ही चाह रहे, लेकिन वो शांति सुख हाथ में आ ही नहीं रहा है। इसलिए देखो उन्होंने एक श्लोक में जीव को शांति कैसे मिलेगी, उन्होंने एक श्लोक में उसको उत्तर देते हैं, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रघुक्ष जी आहय तुके अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीद्धति। अगर आत्मा को शांति पाना चाहते हो बोले क्या करनी चाहिए, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रघुक्ष जी है। कहते अगर शांति पाना चाहते हो क्या करो, भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, क्योंकि जो जीव है, हम जीव है कौन, तो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो जीव है हम सबके सब भगवान के औलाद है, ठाकुर जी की संतान है, कहते ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो
तुमेव बंधुस्त सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जो जीव है ममई मांस, जीव सब मेरे बच्चे हैं, हम सब भगवान का औलाद है, सब ठाकुर जी की संतान है, हैं? इसलिए जब हम ठाकुर जी की संतान है फिर हमें क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम करनी चाहिए, ठाकुर जी को भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान को बताए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का कौन है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन स्वरूप है सत चित और आनंद, ये तीन स्वरूप भगवान का। हम उनके बच्चे, देखना हम भी जिंदगी भर एक तीन चिन्ह ढूंढते हैं, भगवान सत चित आनंद है, उसकी अंश हमारी अंदर, देखो हम कैसे ढूंढते हैं, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान का कोई पिक्चर फटो देखो, जैसे कृष्ण है, कहीं भगवान राम को देखो, देखो उनका उम्र कितने है, भगवान राम 11,000 साल तक राजत्व किया, देखना उनका जो उम्र है 1450 साल से कभी उनको उम्र ज्यादा नहीं, उनको दाढ़ी भी नहीं, मौज भी नहीं उनकी, हैं? उनको कभी बूढ़ा स्वरूप नहीं देखोगे। कृष्ण कितना साल तक रहे, बोले 125 साल तक किसी जगत में रहे, लेकिन कृष्ण का कहीं भी आप तस्वीर देखो, देखना 1450 साल से प्रभु का उम्र कभी ज्यादा नहीं होती, राधा जी की सीता जी की 1350 साल से उनकी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। देखो हम भी यही चाहते हैं, बताओ आप कोई बूढ़ा बुढ़ा बनना चाहते हो, आप बता दो, कोई बूढ़ा अगर एक बाल पक गया ना उखाड़ देते, बोले क्यों उखाड़ते हो, बोले बूढ़ा नहीं काम करना चाहते, बोले ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो, ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो, चवनप्राश क्यों का जीव क्यों जाते हो, मतलब जगत में हम कोई ये बूढ़ा बूढ़ी बनना कोई नहीं चाहते। इसलिए किसी व्यक्ति को भले ही उम्र हो जाए उसके अगर कोई बोल देना बूढ़ा बूढ़ी बोल देना तो गुस्सा हो जाता है, वो भी तो गुस्सा हो जाते, बोले हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए। इसलिए हम किसी माता जी को, हमारे सुसु माता जी कहते हैं, किसी माता जी को माता जी कहते हैं, बिगड़ गया, बोले मैं माता जी दिख रही, बोले माता जी दिख रहे, मैं माता जी कह रहे। इसलिए जगत में क्योंकि हम भगवान की संतान है, भगवान नवकिशोर नटवर है, हम भी हर समय यही उम्र में रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान सर, भगवान ज्ञान स्वरूप है, हैं ठाकुर जी ज्ञान, बताओ जगत में कोई एक किसी व्यक्ति को बोल दो तुम्हारे दिमाग नहीं, सचमुच को दिमाग नहीं, उसको बोल दो दिमाग नहीं, वो इतना बिगड़ जाएगा, मेरे दिमाग नहीं तेरे दिमाग नहीं, हैं? मतलब भगवान ज्ञान स्वरूप है ना। इसलिए हम कोई एम ए पी एच डी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हम क्यों बनना चाहते, सबके सब अच्छे क्वालिफाई चाहते, क्यों, भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है, हम वही आनंद चाह रहे, हम आनंद चाह रहे। इसलिए हम कौन है, हम भगवान की औलाद है, ठाकुर जी की हम संतान है, लेकिन अभी क्या हुआ जानते हो, हम सबके सब किडनैप हो गए, हम इतने साल बैठे हैं ना, हम सबके सब किडनैप हुए हो, बोले किडनैप कैसे, एक स्टोरी सुना, हम सबके सब कैसे किडनैप है, एक समय कोई एक राजा था, उसके घर में कोई संतान नहीं था, औलाद नहीं, राजा बड़ा दुखी है, बड़े कष्ट से उसके घर में एक औलाद बच्चा जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा जब होश होने से पहले गुंडे बदमाशियों ने उसको किडनैप कर दिया, पैसा ले लो उसे, राजा की दुख की कोई सीमा नहीं। एक दिन एक साधु उसको घर में आया, बोले महाराज सब कुशल मंगल, बोले क्या कुशल मंगल है, हम इतने दुखी, दुख का कोई सीमा नहीं, संतान थी नहीं, ठाकुर इच्छा से एक संतान हुई तो भी किडनैप हो गया, हमारे दुख का कोई सीमा नहीं, कि राज सिंहासन कौन संभाल कर राज्य को कौन देगा। लेकिन वो पहुंचा हुआ संत था, बड़े सब कुछ जानने वाले, बोले मैं देखता हूँ तेरे बच्चा है कहाँ, तब उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया, बोले तेरे बेटा ठीक ठाक है, बोले अभी जिंदा है, बोले अभी जिंदा भी और ठीक ठाक है, बोले कहाँ पर बताओ अभी मैं ले आता हूँ, बोले देखो एक दिक्कत आ गई, बोले किस चीज की, बोले जब उसको उठा करके ले गए थे गुंडे लोग ना, छोटा बच्चा था, उसका बोझ नहीं था, अभी वो बड़ा हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता माता, और जो छोटी सी कुटिया में कह रही यही तेरे घर है, अभी तेरे को भूल गया संपूर्ण रूप में, हैं? भूल करके उसको जो पिता माता नहीं उसको ही पिता माता कहता है, उसका जो घर नहीं उसको ही घर कह रहा, उसको घर कह रहा है, बोले फिर, बोले अगर आप बोलोगे मैं जा करके वो बच्चे को मैं समझा, अगर वो समझ जाएगा असली पिता माता कौन है
फिर उसको ले आओ। बोले बाबा आपको तो बड़ी कृपा हो। तो वो गया, देखा वो बच्चे को अकेला। बोले इधर आ। बोले तेरे घर कहाँ है? वो छोटी सी कुटिया। बोले उधर। बोले तेरे पिता माता कौन है? जो गुंडे लोग थे ना। बोले मेरे पिता माता। बोले देखो तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ, ये तेरे घर भी नहीं है और ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं है। बोले हम क्या कह रहे हो, बचपन से मैं तो यही देख रहा हूँ। बोले इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। बोले देख, ये देश का जो राजा और रानी ये तेरे पिता माता है, जो राज महल है ये तेरे घर है। एक दिन तू ये देश का राजा बनने वाले हो। बोले जब तू छोटा बच्चा था, इन लोगों ने पैसा के लोभ से तेरे को किडनैप किया और तेरे को असली परिचय नहीं दे रहे। बोले देख, देखना पिता माता का चेहरा में ना बच्चा का चेहरा मिलता है। अब देखो चेहरा मिलता है, हम लोग कहते हैं ना देखो ये बच्चे में इसका पिताजी का चेहरा आया, ये बच्चे में उसकी माँ की चेहरा है, उसको दांत देखो, नाक देखो, उसको बोलते हैं ना उसको चेहरा आता है बच्चे में। तू देख तेरे चेहरा कितने लंबे चौड़े गोरे, और जितने पिता माता कह रहे हो देखने में कैसे, देखो कैसे काले भयंकर उनके बदमाश कैसे तेरे चेहरा में मिला हो, और तेरे चेहरे को जो राजा को रानी को साथ में मिला हो। लेकिन अभी तक तो उसने कभी सोचा ही नहीं ये बात को। लेकिन जब उसने सचमुच से मिलाना लग गया, हम तो सही बता रहे इनको चेहरा पे मेरा कोई चेहरा नहीं मिल रहा, मेरे चेहरा तो राजा रानी से मिलता है। बोले बेटा ये देश का इतने राजा बनने वाला तू है, राजा रानी राजमहल तेरे घर है। बोले घर में जाओगे? बोले अब तो बड़ी कृपा होगी। फिर उसने राजा को आकर समझाया, अमुक स्थान पर है, तुम सन्या सामंत लेकर जाओ, घेराव करो और जितने गुंडे बदमाश को मार मार कर जेल में बंद करो, और अपना बच्चे को वहां से वापस लाओ। सचमुच से जो बच्चे को वापस लाया ना, हे भगवान ये राजमहल मेरा घर है और एक दिन देश का राजा मैं बनने वाला हूँ, और राजा रानी मेरे पिता माता है। वाह, उसका जीवन ही बदले गया। देखो ये कथा आप हम सब का है, हम सबके से किडनैप हुए हैं, हम सबके साथ, हम सचमुच से देखा हम सबके से